मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद को सुलझाने के लिए उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगा दी गई है। उद्योग मंत्री ट्रक ड्राइवर और कंपनी के साथ बातचीत करेंगे। उद्योग मंत्री ट्रक ऑपरेटर और कंपनी के साथ बातचीत करेंगे। मामले को जल्द सुलझाने का सरकार प्रयास करेगी ताकि ट्रक ऑपरेटरों को भी नुकसान न उठाना पड़े। क्या कहना है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, सुनिए। मैंने उद्योग मंत्री जी से बात की है और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सॉल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किस्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका ध्यान कर रहे हैं और जल्दी इसका हल होने का संभावना है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उन सभी को कांग्रेस सरकार जल्द पूरा करेगी। ओपीएस सरकार ने बहाल कर दी है और जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। देखिए, कैबिनेट ने फैसला कर दिया है ना, और कैबिनेट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी एक महीना हमारी सरकार को हुआ है, हमने 1500 रुपए के लिए जो अपनी महिलाएं हैं जिसमें आप भी आती हैं, हम उनको सबको मासिक पेंशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उस गठन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली सरकार ऐसी सरकार थी जिसने 11,000 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का देना है, 75,000 करोड़ का कर्ज है। 900 संस्थान अगर हम खोल देते तो 5,000 का कर्ज और लगा दीजिए। तो इस सरकार, पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्जे के बोझ के नीचे और सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के कर्जे के बोझ के नीचे दबा रखा है। इससे निकलना है, इस वस्तु स्थिति से हम दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े और हमारा जो कार्य काम है वो सही दृष्टिकोण से आगे बढ़े। हम कार्य कर रहे हैं, जल्दी ही हम और जो हमने गारंटी योजनाएं उनको अमली जामा पहनाएंगे। बहुत बहुत